आज हम बनाएंगे मुलायम मुंह में घुल जाने वाली स्वादिष्ट पूरन पोली। सभी त्योहारों में बनाई जाती हैं। अगर आप एक बार पूरन पोली खाएंगे ना तो इसका स्वाद कभी नहीं भूलोगे। तो चलिए बनाते हैं पूरन पोली। तो सबसे पहले हम पूरन बनाएंगे, तो उसके लिए कुकर में एक कटोरी चना डाल लेंगे। दाल को अच्छे से 4 से 5 बार धो लेंगे। तो दाल धोकर हो चुकी है। अब हम जिस कटोरी से हमने दाल ली थी उसी कटोरी से 4 कटोरी इसमें पानी डालेंगे। एक कटोरी दाल के लिए 4 कटोरी पानी डालेंगे। अभी हमारी जो दाल है वो एकदम सॉफ्ट पक जाए इसलिए हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच तेल और चुटकी भर हल्दी पाउडर। इससे पूरन पोली का कलर अच्छा आता है। मिक्स करके कुकर का ढक्कन लगा देंगे और 5 सीटी आने तक पकाएंगे। पहली सीटी हाई फ्लेम पर लेंगे और बाकी की 4 सीटियाँ मीडियम फ्लेम पर लेंगे। इससे हमारी दाल परफेक्ट पक जाएंगी। तो जब तक दाल पकती है हम आटे की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर 1 कटोरी गेहूं का आटा लिया है और 1 कटोरी मैदा। इसको मैंने पहले ही छान कर लिया था। इसमें डालेंगे 1 चम्मच तेल। अगर आपको पूरन पोली क्रिस्पी चाहिए तो यहाँ पर तेल की जगह पर आप घी यूज़ कर सकते हैं। तेल से पूरन पोली मुलायम बनती है और दिन भर वैसी की वैसी मुलायम ही रहती है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर उसका सॉफ्ट आटा गूंद लेंगे। तो देखिए हमारा आटा बिल्कुल रेडी है। ऊपर से थोड़ा तेल डालकर इसको 2 मिनट गूंदेंगे। और इसे 15 से 20 मिनट ऐसे ही ढक कर रख देंगे ताकि आटा अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो ये देखिए हमारी दाल भी पककर हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि कितनी सॉफ्टली पक चुकी है। तो अब हम दाल में से पानी को ऐसे छान कर लेंगे। ये देखिए ये पानी आपको ऐसे ही रखना है। इससे जो हम आमटी बनाते हैं, कटाची आमटी बोलते हैं उसे, वो बनाएंगे। तो अब ये जो दाल है इसे ठंडा होने देंगे। ये दाल ठंडी हो चुकी है। इसमें हम 1 कटोरी गुड़ डालेंगे। ये काला गुड़ है, यही इस्तेमाल करें। इससे टेस्ट और पूरन का कलर अच्छा आता है। हमने जितनी दाल ली थी उतना गुड़ डाला है। आप अपने मीठे के हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। दाल और गुड़ को अच्छे से पीस लेंगे। कटोरी या फिर ग्लास की मदद से आप इसे रगड़ कर पीस लीजिए। ये देखिए हमारा पूरन तैयार हो चुका है। अब हम इसे थोड़ा सेक लेंगे। तो उसके लिए कढ़ाई में थोड़ा तेल डालें और ये पूरन डालकर 3 से 4 मिनट चलाते जाए तो ये अच्छे से तैयार हो जाएगा। अब इस स्टेज में आप इलायची पाउडर भी इसमें डाल सकते हैं। तो ये पूरन रेडी हो चुका है। अब इसे हम ठंडा होने तक ऐसे ही रख देंगे। ये देखिए पूरन ठंडा हो चुका है। अब हम इसकी लोइयां तोड़ेंगे। ऐसे गोले बनाकर पहले ही रख देंगे ताकि बाद में पूरी बेलते वक्त आपका हाथ ज़्यादा ख़राब ना हो। तो ये देखिए गोले बनाकर हो चुके हैं। हमारा आटा भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। अब हम पोली बनाते हैं। तो जैसे हम चपाती बनाते हैं वैसे गोला बनाएंगे और उसे ऐसे बीच में प्रेस कर उसको एक कटोरी के जैसा बनाएंगे। ये देखिए और इसमें भरेंगे हमारा पूरन। बंद कर देंगे इसे, जैसे हम मोदक बनाते हैं ना बिल्कुल वैसे ही।
और आटे में एक बार टैप करके हम इसकी रोटी बेल लेते हैं। यहाँ पर बेलते वक्त बीच में ज़्यादा ना बेले, नहीं तो पोली फट जाएगी और स्टफिंग बाहर आ जाएगी। आपको साइड्स को बेलना है, बीच में अपने आप वो बन जाएगा। तो ये देखिए पोली बनकर हो चुकी है, अब इसे हम सेक लेंगे। तो गरम तवे पर थोड़ा तेल छिड़क दे ताकि नीचे ना चिपके, और जिस साइड से आपने पोली बेली है वो साइड तवे पर नीचे जाएगी ऐसे। इसे अब पलट देंगे और अब नीचे से बबल्स जैसा दिखने लगे तो दूसरी साइड भी पलट देंगे। तेल लगाकर अच्छे से सेक लेंगे। आप घी भी लगा सकते हैं। ये देखिए हमारी पूरन पोली अच्छे से फूल चुकी है और तैयार है गर्मा गर्म मुलायम गुब्बारे जैसी पूरन पोली। सभी पूरन पोलियाँ बना कर लेते हैं। तो अब पूरन पूरी बनाकर हो चुकी है, अब हम कटाची आमटी बनाते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने आधा सूखा नारियल लिया था जिसको काट कर और गैस पर भुना है। चने की दाल ली है जो मैंने पूरन बनाते वक्त निकाल ली थी। दो प्याज, प्याज को डायरेक्ट गैस पर भुना है। ऐसा गैस पर भुनने से आमटी को स्मोकी फ्लेवर आता है और ऐसा लगता है बिल्कुल चूल्हे पर ही खाना बनाया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे एक मुट्ठी हरा धनिया, 14 से 15 लहसुन की कलियाँ, दो अदरक के टुकड़े। अब हम यहाँ पर मिक्सी में डालेंगे सूखा नारियल। अदरक, दालचीनी और कुछ खड़े मसाले जैसे इलायची, सूखी मिर्च, लौंग। अब इसे ग्राइंड करते हैं। तो ये देखिए अब हम इसमें से एक चम्मच निकालकर बाजू में रखेंगे। इसका क्या करना है ये हम आगे देखेंगे, तो वीडियो कंप्लीट ज़रूर देखिए। अब डालेंगे बाकी की चीज़ें जैसे प्याज, लहसुन, धनिया, दाल और थोड़ा पानी डालकर इसका फाइन पेस्ट बना कर लेंगे। ज़्यादा पानी नहीं डालें, इससे जब तेल में हम ये वाटन डालते हैं ना तो ज़्यादा पानी होने से वो सब आजू बाजू में छींटे उड़ने लगते हैं और जल्दी तेल भी नहीं छोड़ते मसाले, तो इसलिए कम पानी में ही इसे पीस लें। तो अब कढ़ाई में तेल डाला है और उसमें डालेंगे एक तेज पत्ता, करी पत्ता। अब जाएगा तेल में एक चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच हल्दी पाउडर और पिंच ऑफ जीरा। मिक्स करेंगे और अब डाल देंगे इसमें हमने जो एक चम्मच निकाला था ना ड्राई वाटन, वो डाल देंगे। ऐसा करने से आमटी बहुत ही टेस्टी बनती है। तेल में अच्छे से मिला लेंगे और डालेंगे वाटन। वाटन को भी मिक्स होने देंगे और अच्छे से तेल छूटने के बाद इसमें डाल देंगे एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच गरम मसाला, स्वादानुसार नमक ऐड कर देंगे। मिक्स करेंगे और ये अभी सभी ड्राई मसाले अच्छे से तेल छोड़ दे, उसके बाद इसमें डालेंगे जो हमने दाल का पानी निकाला था ना वो इसमें डाल देंगे, यड़ौनी भी बोलते हैं इसे। मिक्स करेंगे अच्छे से और इसमें डाल देंगे गरम पानी। अब अच्छे से उबाल आने देंगे। उबाल आने के बाद
अब डालेंगे धनिया पत्ता और अब कम आंच पर 5 मिनट पकने देंगे। तो तरी आप देख सकते हैं, तो ये तैयार है हमारी कटाची आमटी। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल कम समय में और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है और बहुत ज़्यादा वाटन की तैयारी भी नहीं करनी पड़ती। कुछ ही चीज़ों से हम ये कटाची आमटी बना सकते हैं। तो अब सर्व करते हैं हमारी कटाची आमटी। इसके साथ जाएगा दूध जो हम पोड़ी के साथ खाते हैं, चावल, घी और मुलायम पूरन पोई। देखिए हमारी पूरन पोई, मैं तोड़कर दिखाती हूँ। पूरन देखिए अच्छे से सभी साइड में गया है और आसानी से एक हाथ से ही टूट भी रही है। तो इस वीडियो में हमने पूरन कैसे बनाते हैं वो देखा, पूरन पोई कैसे बनाते हैं वो देखा और कटाची आमटी कैसे बनाते हैं वो भी देखा। तो आप भी ज़रूर बनाइए ये सुगड़ी बाड़वा पूरन पोई और कटाची आमटी। बाकी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं एक और रेसिपी के साथ, तब तक आप पूरन पोई ट्राई कीजिए और खाने का पूरा आनंद लीजिए। और आप सभी को गुड़ी पाड़वा की बहुत बहुत शुभकामनाएँ।